दी, मॉम क्रिकेट कैसा रहेगा? That's too common, दिव्या. मुझे ना अमृता भाभी को कुछ बहुत अच्छा सा गिफ्ट करना है. Suggest me something good, rare. Her delivery is very close. A gold jewelry. Again too common. देख, तेरे पास ना कुछ अच्छा आइडिया तो बता, वरना तो जाए ऐसे. दी, और मेरे को जो भी दिमाग में आ रहा था ना, मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको. Anyways, let me check कुछ और. मेरा, मुझे कुछ पैसे चाहिए अराउंड 5K. या एक मिनट, तूने सुबह तो पापा से 5K लिए थे ना? तू चुप करना. हाँ, मगर करेगा क्या तू इतने पैसे का? ओए, तू भी अमृता भाभी के लिए कुछ गिफ्ट ले रहा है क्या अलग से? ओ गॉड, तू हेल्प विद यू अमृता भाभी. मुझे पैसे चाहिए अपने लिए. लिसन, बिहेव. अमृता भाभी के खिलाफ ना कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा तो, समझा? व्हाटएवर. नवीन, क्या कर रहा है तू? इतना नहीं पैसे निकाल रहा हूँ. क्या ये? हाँ, क्या है क्या? अरे इट्स जस्ट 5K यार, लौटा दूंगा ना. पहले बता तुझे पैसे क्यों चाहिए? क्या करता है तू इतने पैसों का? और अभी परसों तुझे मैंने दिए थे ना 3,000 रुपए. तूने कल शबाना पास से भी पैसे लिए थे ना? What? नवीन, तू सबसे पैसे क्यों ले रहा है रोज? दी से 3,000, शबाना पास से 4,000, पापा से 5,000, और अब फिर? सर, मैंने कहा ना मैं लौटा दूंगा. मेरे फ्रेंड्स नीचे वेट कर रहे हैं. I have to go. मैं जा रहा हूँ. He's behaving weird. दी और इसके फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं है. दी, मैं वो बता रही थी आपको. तू ना अभी मेरा दिमाग खराब मत कर, तू जा. पर वो अमृता भाभी का गिफ्ट. मैंने कहा ना तू जा, जस्ट लीव मी अलोन. ओके, ऑलरेडी इस नवीन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है. जा तू. हाँ प्रीतम पुत्र, बिल्कुल ऊपर वहीं, और नाप के लगाना, दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए. ये बात, हेल्प करने के लिए क्या मान गया? डेकोरेटर ही बना दिया मुझे. प्रीतम चौधरी, यही करने को पैदा हुआ था ना तू? कुछ कह रहे हो? अरे मैं ही लगा देती, पर सीढ़ी पर चढ़ते ही मुझे चक्कर आने लग गए. जी अंदर का सब हो गया मम्मा. अरे वेरी गुड. अरे फड़, ये सीढ़ी पकड़, मैं तब तक पूजा के सामान का लिस्ट बना लेती हूँ. आ जा. क्या बात है, तुम तो फैमिली मेंबर बन गए. अबे ओ फाइटर, सीढ़ी ठीक से पकड़ियो, गिराइयो मत. आप टेंशन ना लो. अंगद पुत्र, तू थक गया होगा यार, जा 5 मिनट बैठ जा, मैं कर देता हूँ. अरे कोई नहीं अंकल जी, हो जाएगा. आप आराम से नीचे बैठो ना, कर लूंगा मैं. ओ अंगद पुत्र, ये कुलजीते को ना आराम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इसका बस चले ना तो पूरा काम कर दे घर का, वो भी अकेले. तो और क्या पाजी, मेरी लाडली बेटी की गोद पर आई है और मैं वेला बैठा रहा हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता. क्यों पर जाई? अरे भाई साहब, आप करो, आपका जो मन करे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू पर जाई. तो फिलहाल तो आराम कर ले, नीचे आगे आ जा. अच्छा बाप, 5 मिनट. बताइए क्या क्या लिख दिया है, तो हम गुनीची को लिस्ट दे देते, अभी आ जाएगा कुछ. ठीक है. ओ निम्मो जी, पूजा का सामान तो बाबूजी को लाना था. हाँ हाँ, दादाजी और बीजी तो अपने आइटम की रिहर्सल कर रहे हैं. अरे बाबूजी नहीं सुधरेंगे कभी. रहन दीजिए ना गुनी जी, उनका भी तो मन था कि अमृता की गोद भराई में ये करेंगे वो करेंगे, कर लेन दीजिए. अच्छा आप लिख लीजिए, गाय का घी, फल, फूल, चंदन और धूप. वैसे तुम्हारे दादाजी भी कमाल आइटम है. नहीं, इस उम्र में दलेर मेहंदी वाले घूम रहे हैं. अरे दादाजी पीजी तो हमारे घर के धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है, उनका आइटम तो होना ही है. कोई काम करो, तुम भी एक आइटम कर लो ना. तो ये और क्या कर रहा हूं मैं. कहाँ रखा है बैग इन लोगों ने, खजाने की तरह छुपा दिया है. मैडम जासूस के कमरे में तो नहीं रखती है.
क्या मैडम जासूस? कौन? कोई नहीं, तू कपड़ा दे। मम्मी जी, आप उतर। ये देखिए ना, टेलर ने मेरा ड्रेस लूज सी दिया। एक मिनट। अरे रुकिए, देखिए आपको रुकना पड़ेगा। स्टैचू, टेक्निक है भाई। हाय, बस लो आराम से, इतना गुस्सा नहीं करते। अब तेरे लिए तो सजा रहा है ना मुझे सब कुछ। ओहो अमृता, पुत्र काम करते करते ऐसी चीजें हो जाया करती हैं अक्सर। मत कर गुस्सा तू। पुत्र ला दे, ला ये दे, कपड़े मुझे दे दे, मैं आज ही ठीक करा के ले आती। गुस्सा नहीं करते। अंगद थल्या आजा, ये ले भाभी का ये ड्रेस, ले जा और आज ही इसको ठीक करा के ले आई हो, ठीक है? मैं अभी दे देता हूँ टेलर को, शाम तक हो जाएगा। अच्छा भाभी, आप अपनी फिटिंग का दे दो ना जरा ये कपड़ा। हाँ देती हूँ। आप तो हीरोइन हो कल के फंक्शन की, आपके कपड़े थोड़े खराब होने देंगे। जो तेरे चेहरे का रंग उड़ गया। वो भाभी, वो ऑफिस से कॉल है। बॉस कॉल कर रहे हैं, मैं जरा आता हूँ, ठीक है? ओए भाई, सीढ़ी तो पकड़ ले यार। कबीर, कबीर नाम है उसका। भाई कब से हो गया? अब कोई नहीं पुत्र, भाई कह दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? टेंशन मत ले। हाँ भाई, वो तू टेंशन मत ले भाई, गिरने नहीं दूंगा तुझे। जी शुक्रिया, वरना आपकी बेटी ने तो सीढ़ी खींचनी थी। हाँ वही मुस्कान है। ये मुस्कान मुस्कान क्या करता रहता है जब देखो तब? मेरा नाम नहीं ले सकता? अरे यार अभी मैं घर पे हूँ, किसी को पता नहीं कि मैं तेरे ऑफिस में काम करता हूँ। कल तक रुक जाना, तू आएगी ना तो मैं सबको बता दूंगा घर में, ठीक है? और तू भी बता दियो। अच्छा चल बता, क्या बात करनी थी तुझे? मुझे ना कुछ हेल्प चाहिए थी तुझसे। हाँ बोल ना। मीरा दी सुनो, आप ऑलरेडी कबीर से एक बार बात कर ही चुके हो, तो बेस्ट रहेगा आप अमृता भाभी के लिए क्या गिफ्ट चाहिए आप उसी को पूछ लो ना। मैं और कबीर की हेल्प लूंगी, नेवर, जस्ट लीव। ओके, ओए मतलब क्या तेरा? हाँ जस्ट शट अप। ओके, हाँ तो मैं ये पूछ रही थी कि अमृता भाभी के लिए क्या बेस्ट रहेगा। एक मिनट, आप किससे बात कर रहे हो? मैंने तुझे जाने के लिए बोला ना, चल निकल, लीव। हाँ बोल, और कुछ स्पेशल बताना। ओके एक सेकंड सोचने दे। हाँ तो कार गिफ्ट कर दे, तेरे पापा के पास तो बहुत सारे पैसे है ना, अमृता भाभी के लिए भी काम आ जाएगी और मैं भी ऑफिस कार से ही आ जाए करूंगा। मैंने ना गलती कर दी जो तुझे कॉल कर दिया मैंने। बाय।
अरे यार क्या पड़ी है तू गिफ्ट के चक्कर में? तू आ रही है गोद भराई में, वही भाभी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। भाभी तुझसे मिलने के लिए बेचैन है। और जब तू आएगी ना तो मम्मा को सबसे पहले सॉरी बोल दियो तो सब ठीक हो जाएगा। और कबीर इससे फोन पे बातें करे जा रहा यार। ओ भाभी के कपड़े ले जा और टेलर मास्टर को दे के आ जल्दी। अरे पापा जी जा रहा हूँ मैं, ऑफिस से कॉल है बॉस का। आहा बॉस में तेरी गुड, ऐसे ही रहियो फायदे में रहेगा। ओए चल ओए, अपने बॉस से कोई ऐसे बात करता है? नौकरी से निकाल देंगे तुझे वो लोग। अरे पापा जी जाओ ना, मेरी मीटिंग चल रही है। अच्छा ठीक है चल कपड़े ले जा। अच्छा सुन, पापा के आने से गुनीत अंकल खुश है ना? तू आ तो सही, सब ठीक हो जाएगा। आई नो, मुझे भी ना बस कल का इंतजार है। आई जस्ट होप कल सब कुछ अच्छे नोट पे हो जाए यार। ओए, लेकिन फिर भी मुझे गिफ्ट तो लाना ही है ना? हमारी तरफ से तो एक निशानी होनी चाहिए गोद भराई की। ऐसा कर, तू बेबी को ना प्रैम गिफ्ट कर दे, बेबी और भाभी दोनों के लिए यूजफुल होगा। ओह या, हम लोग ही ना बेबी को लेके प्रैम में घुमाएंगे। क्या आइडिया दिया है तूने, थैंक्स यार कबीर। मुझे पता है, बड़े काम का बंदा हूँ मैं। अच्छा सुन, डीजे तो बुलवाया है ना तुम लोगों ने, हमने भी एक डांस परफॉर्मेंस देना है। अरे नहीं यार, हमने कोई डीजे शीजे नहीं बुलाया। तू तो जानती है ना यार हमारे घर की हालत, बड़ी मुश्किल से थोड़े पैसों का जुगाड़ किया है भाभी की गोद भराई के लिए। डेकोरेशन भी हम लोग खुद ही कर रहे हैं, अभी तो खाने का बजट भी कैसे मैनेज होगा कुछ पता नहीं है। What? पैसे का इशू है क्या? कोई नहीं यार, सब मैनेज हो जाएगा, खुद ही स्पीकर पर गाने बजाएंगे और नाचेंगे। अच्छा चल मैं रखता हूँ, ठीक है? हाँ बाय। पैसे नहीं है तो इतना बड़ा फंक्शन मैनेज कैसे करेंगे ये लोग? क्या क्या सोचा था अमृता भाभी ने? जिंदगी मेरे घर आना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।